अब मॉडल थाने बना दिए गए हैं। मैं ये समझती हूँ बिल्डिंग को आप एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ करंट टाइम उसको बड़ा वेल इक्विप कर देते हैं, नो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप पुराने चौके सिस्टम में अपना बंदा वो बिठाएं जो कॉम्पिटेंट होए, जिसको लॉ पे कमांड होए, एज़ पर द लॉ जब उनके पास कंप्लेनेंट आए वो उसको उसी एज़ पर द लॉ उसको डील करते हुए जो प्रॉपर एक्यूरेट सेक्शन है वो लगाए। सबसे पहला तो ये इकदाम होना चाहिए इन माई व्यू। देखें जब आपका प्रॉपर FIR लॉजिंग ऑफ FIR फर्स्ट स्टेप होता है जी, अगर आपने FIR ही गलत लॉन्च कर दिए, एक बंदा है वो मुदई जाता है वो उसको मुलजम बना देते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि आप उनसे बार्गेनिंग कर लेते हैं माजरत के साथ। बिल्कुल उसके उसके देखें पीछे सबसे ज़्यादा आप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ना जाएं, आप पढ़ा लिखा स्टाफ दें। जो देखें आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, IT कहाँ की कहाँ पहुँची है, पूरी दुनिया कहाँ पहुँची हुई है, हम दुनिया का ही हिस्सा है, नो डाउट हम दुनिया से आज भी बहुत पीछे हवलदार जी, के बरूने में बिल्कुल ऐसे देखें। और एक आप हमारे मुआशरे में पुलिस का और हमारी पब्लिक का पुलिस के मुताबिक एक माइंडसेट है, पुलिस को जो रिस्पेक्ट आज से 20 साल पहले मिलती थी आज वो रिस्पेक्ट नहीं है। उसकी जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट खुद हैं। और दूसरी बात जो पुलिस का एक मोराल था, लेवल था, मैं कहती हूँ इस पढ़े लिखे, क्योंकि आप देखें कि दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी एजुकेशन सिस्टम ने तरक्की की है। नो डाउट हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर लास्ट 3 decades की बात कीजिए तो आज का हमारा एक यंग हमारे पाकिस्तान की कुल आबादी में सबसे ज़्यादा 60% मेरे ख्याल में हमारे यंगस्टर हैं, और वो यंगस्टर में मोस्टली पढ़ा लिखा यंगस्टर है जिसको अवेयरनेस है। इवन दो मैं यहाँ पर ये भी समझती हूँ, मैं कहती हूँ कि हमारे पार्लियामेंटेरियन बहुत से लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, मेरी एक अपनी सोच है कि मुझे अगर मौका मिले हम चीफ जस्टिस साहिबा से भी ये बात करें, अपने हमारे जो लॉ मिनिस्टर्स हैं अगर वो अपने पार्टी सिस्टम की इस जंग से निकलें, तो मैं ये समझती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट्स को आप ये कंपलसरी सब्जेक्ट की हैसियत दे दी जाए, ताकि हमारे मुल्क का एक आम शहरी भी उतना अवेयर होए अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। देखिए जितनी जितनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ की अवेयरनेस होती है वहाँ पर क्राइम की रेशो कम होती है। जैसे अवेयरनेस का लेवल आपका बढ़ता जाता है आप में चीज़ें अच्छाई की तरफ जाती हैं। देखिए आप दूसरे डिपार्टमेंट में आप बिल्डिंग्स की तरफ तवज्जो मत दीजिए, आप देखें सबसे ज़्यादा रिश्वत का बाजार गर्म है, आपकी टोटल प्रोसीडिंग चलती है आपके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे। मैंने खुद ये जाती तौर पे एग्जामिन किया है कि 337A3 की FIR थी, जेन्युइन वकूआ था, एक ASI ने तफ्तीशी अफसर था उसने उसकी प्रॉपर मुदई पार्टी से बार्गेनिंग नहीं, उसने मेडिकल चैलेंज को जाके उधर मुदई पार्टी से बार्गेनिंग ना होने पे मुलजमों को फेवर दिला के वो मेडिकली बोगस करार दिलवा दिया। मैं ये समझती हूँ फिर कहाँ गया हमारा वो सिस्टम। जब आप इस तरह के मसाइल होते हैं एक आम शहरी को जिसको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ का पता ही नहीं है, अपने फंडामेंटल राइट्स से वो अवेयर ही नहीं है, और पुलिस सिस्टम मैं कहती हूँ आप बिल्डिंग्स ना बनाएं, उनकी सैलरी पैकेज इतना अच्छा करें, हैंडसम करें कि वो रिश्वत की तरफ ना जाए। सबसे बड़ी बुराई की जड़ मैं ये समझती हूँ वो है रिश्वत। आप अपने डिपार्टमेंट में उनकी हैंडसम सैलरीज करें और उनको वेल इक्विप्ड करें एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटायर यूनिवर्स, क्योंकि हम दुनिया का हिस्सा हैं तो हम दुनिया से हट के नहीं हैं। बेशक हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि जैसे चीफ जस्टिस साहिबा ने एक बारिश का कतरा बनाया है, मतलब वो जैसे कहते हैं ना बड़ी देर कर दी मेरे मेहरबान आते आते, लेकिन चलें देर आमद बाद दुरुस्त आमद, ये काम बहुत पहले चीफ जस्टिस साहिबान को करना चाहिए था, मैं कहती हूँ 2 decades पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि आप एक मॉडर्न एज में रह रहे हैं और ये नेसेसिटी ऑफ टाइम है, इट्स अ नीड ऑफ टाइम कि आपको अल्लाह ने एक ओहदा दिया है, इंसाफ कहता है कि इंसाफ हो इंसाफ की तकाज़ों की तरह, और इंसाफ होता हुआ दिखता बोलता चलता नज़र आए।